नमस्कार, आप देख रहे हैं डी एन डी न्यूज और मैं छपरा से प्रभात सैनी। आपको बता दें कि आप जो है अब नगर निगम का चुनाव का बिगुल बज चुका है। सारे प्रत्याशी जो है नामांकन के बाद अब जनता को लुभाने में लगे हुए हैं और सभी जनता जो है तरह तरह की बातें अब कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं कि हम जो है साफ सफाई की बगैर व्यवस्था करेंगे, सड़कों की दुरुस्त करेंगे, नाले की दुरुस्त करेंगे, तमाम चीज़ों की जो आप जो है लोगों को वादे कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि हम अभी वार्ड नंबर 20 और 21 में खड़े हैं, वहाँ के हालात कैसे हैं। आइए बाहर आइए। ये जो आप गंदगी आप अंबार देख रहे हैं यहाँ पर, ये कोई गंदगी कहीं से आया हुआ नहीं, इसी का है। और यहीं के वार्ड पार्षद जो है अपने वादे से जो है हर बार वादे करके और लोगों को लुभाते रहे हैं, चुनाव जीतते रहे हैं। अब फिर से ये जो है चुनावी बिगुल बजने के बाद वो लोग इस तरह से आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग जो हैं यहाँ खड़े हैं और मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ क्या हालात रहे हैं। मैडम पता नहीं कि आप यहाँ से गुजरती होंगी और ये जो अंबार लगा हुआ है कूड़े का, तो क्या आप महसूस करते हैं, किस तरह के आप यहाँ से गुजरते हैं? लगता है बहुत खराब लगता है, लेकिन हम लोग कहें तो किससे कहें, जब भी किसी से बोलने जाओ तो सुनता नहीं है, हाँ करवा देंगे ऐसा होगा। आगे चल के हम लोग बोले तो किससे बोले, वार्ड के हिसाब से बोलते हैं तो कभी इधर दिखते हैं कभी उधर दिखते हैं, सही काम की जगह पे नहीं दिखते। क्या कारण है कि यहाँ पर जो है आपके पूरा यहाँ फटा हुआ है, क्या इसका कहीं कोई दान बनाएंगे कि नहीं किया है, या क्या वजह रहा होगा? वजह तो देखिए वजह तो उतना नहीं पता है, लेकिन ये देख कर ये साफ आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे सफाई और जो भी है उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। जो भी है जो कीचड़ जैसे बारिश उरिश हो जाती है ये पूरा भर जाते हैं, इतनी पानी लग जाती है उसमें सब कचरे जम जाते हैं, जाने आने में इतनी प्रॉब्लम होती है कि आदमी बाहर निकलने से घबराता है। तो अभी तो कहीं भी कोई भी चीज़ जो है फिलहाल जो है अभी चुनाव शुरू होने जा रहा है और इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या आपने वार्ड कमिश्नर को यहाँ बदलना पसंद करेंगे या फिर पुनः उसी पर विश्वास करेंगे? जी सर, बदलना तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि हमको तो यहाँ का जो भी है, हम मढ़ौरा क्षेत्र के निवासी हैं, लेकिन यहाँ पे 10-12 साल से रह रहे हैं, 12 साल हो गया कंटिन्यू, 2009 से हम यहाँ रेगुलर हैं। तो आप चाहते हैं कि बदलाव हो? बदलाव हो एकदम हो। एक बात सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो है मेयर का जो है चुनाव जो है इस बार लोग जनता से डायरेक्ट चुनेंगी, जबकि पहले वार्ड से करते हैं उसको पार्षद ही चुना करते थे, उसमें आप किस तरह से जो है मेयर का चुनाव करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या होना चाहिए मेयर के चुनाव में, कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? सर कैंडिडेट तो ऐसा होना चाहिए जो सारी सुविधाओं को जनता नागर जो है उन पे जो भी है। जुड़ो दीक्षांत से पाओ छुटकारा कोचिंग इंस्टीट्यूट से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विथ एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल।